गुजरात में राज्यसभा चुनावों में कांग्रेस को झटका देते हुए शंकर सिंह वाघेला ने अहमद पटेल के खिलाफ मतदान किया। हमारे अजीज अहमद भाई को वोट नहीं दिया है। गुजरात में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस विधायक राघव जी पटेल और धर्मेंद्र जाडेजा ने बीजेपी उम्मीदवार बलन सिंह राजपूत के पक्ष में वोट करने का दावा किया। जम्मू कश्मीर के माछिल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश करते पांच आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। चंडीगढ़ छेड़खानी केस में न्यूज 18 इंडिया को मिले सीसीटीवी में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का बेटा विकास बराला आईएएस की बेटी वर्णिका के पीछा करते हुए नजर आ रहा है। चंडीगढ़ छेड़छाड़ मामले में हरियाणा सरकार पर हमला बोलते हुए बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सीबीआई जांच की मांग की। राहुल गांधी की गाड़ी पर हमले को लेकर सरकार ने पलटवार करते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष पर सुरक्षा मापदंडों को तोड़ने का आरोप लगाया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भी माना कांग्रेस अब तक के सबसे बड़े अस्तित्व के संकट से गुजर रही है। पाकिस्तान में आतंकी हाफिज सईद की राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष ने भारत को अपना दुश्मन हमारी दुश्मन से हमारी खुली खुला हमारा इशारा वो इंडिया की तरफ है। कांग्रेस उपाध्यक्ष के संसदीय क्षेत्र अमेठी में राहुल गांधी की गुमशुदगी के पोस्टर्स लगे। सेना से भागकर आतंकी बने जहूर अहमद और हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर यासीन इट्टू की मुलाकात का वीडियो सामने आया। नरेंद्रपुरी में सिनेमा हॉल में गार्ड का काम करने वाली महिला की रेप के बाद हत्या का आरोप। कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ नई मुहिम के तहत अब सेना के जवान सिविल ड्रेस में ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। सलमान खान की बहन अर्पिता ने अपने बेटे आहिल और सलमान की मस्ती का एक वीडियो शेयर किया। अमेरिका के टेक्सास में बाढ़ के पानी में जिंदगी की जंग लड़ रहे आदमी को सीढ़ियों की मदद से बचाया गया। चीन के हुनान प्रांत में एक शहर के पुनर्निर्माण के दौरान महज 20 सेकेंड में 36 इमारतें धराशायी हो गई। आतंकी फंडिंग के मामले में आज सैयद अली शाह गिलानी के दोनों बेटों से एनआईए पूछताछ कर सकती है। दो टेस्ट मैच हार चुकी श्रीलंका की टीम के दिग्गज स्पिनर रंगा हेराप पीठ के दर्द की वजह से तीसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। सोशल साइट पर राखी बांधे हुए फोटो पोस्ट करने पर इरफान पठान की कट्टरपंथियों ने खिंचाई।